अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल व्लॉग्स ऑफ मरियम। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं अपने किचन की सफाई बिल्कुल भी नहीं करी, क्योंकि आज मैं अपने पूरा किचन का सफाया करने वाली हूँ। मतलब ये वाला जो मैंने रोल यहाँ पर स्टिक किया था, आप लोगों ने बहुत लाइक भी किया था उस वीडियो को, तो आज मैं इसको रिमूव करने वाली हूँ, क्योंकि तकरीबन तीन चार महीने कुछ हो गए हैं इसको स्टिक कर। और अभी आज मैं इसको रिमूव करने वाली हूँ, क्योंकि जो बेसन की साइड से जो वाटर जा रहा है वो पेपर के अंदर जा रहा है, तो उसकी वजह से थोड़ी स्मेल आ रही है। वो अभी बहुत दिन के बाद इस तरह का मसला हुआ है, तो मैंने सोचा कि आज मैं इसको रिमूव ही कर देती हूँ। तो यहाँ से मैंने इसको रिमूव करना स्टार्ट किया है, और यहाँ पर देखिए इसकी स्टिकनेस अभी तक इतनी अच्छी है। तो यहाँ से मैं इसको रिमूव कर रही हूँ, और जो दूसरी साइड जो है पेपर वो इजीली रिमूव हो जाएगा। पानी की वजह से थोड़ी थोड़ी स्मेल आ रही थी, तो इसीलिए मुझे महसूस हो रहा था कि यहाँ से स्मेल आ रही, तो मैंने सोचा कि इस जो पेपर का जो एक्सपायरी है वो ख़त्म हो गई है, तो अभी हम इसको निकाल ही देते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको निकाल कर यहाँ पर थोड़ा सा पहले गंदगी इसकी साफ़ कर लूँगी, फिर से मैं इसको अच्छी तरह से क्लीन कर दूँगी, ताकि जो स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाए और फिर यहाँ पर क्लीन भी अच्छे से हो जाए। तो मैंने सोचा कि अभी मैं टाइल्स वगैरह भी क्लीन कर लूँगी, ताकि जो गंदगी है वो भी हट जाए। मैंने कल ही किचन को साफ़ किया था, और शायद उसी की वजह से पेपर में ज़्यादा भी पानी होने की वजह से स्मेल आ रही थी। तो यहाँ पर मैंने सारा का सारा पेपर तो अभी निकाल दिया है, और अभी मैं यहाँ पर किचन को रगड़ रगड़ कर धो दूँगी, और फिर किचन को मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी। अच्छा, जितनी पेपर लगाने में प्रॉब्लम नहीं हुई उतनी निकालने में हुई, क्योंकि ये इतना स्टिक हो गया था। तकरीबन पौना एक घंटे तक मैं इसको निकालती रही, जिस साइड पानी नहीं गया वहाँ पर, और जहाँ पर पानी चला गया था वहाँ तो कुछ सेकेंड्स में ही वो पेपर खुद ब खुद बाहर आ गया था। तो खैर, यहाँ पर देखिए मैंने अच्छे से क्लीनिंग कर ली है किचन काउंटर की, और ये चमक रहा है। और यहाँ पर देखिए मैं गैस रखती हूँ, बाहर से यहाँ पर से धुआं वापस चला जाता है, और मैंने सोचा कि इसको यहाँ पर सेट कर देती हूँ, ताकि वो वाला जो काउंटर है वो थोड़ा सा फ्री रहे, और जब मैं बर्तन वगैरह धोती हूँ तो अच्छी खासी स्पेस वहाँ पर मिले। लेकिन यहाँ पर रखने से एक मसला हो रहा था कि यहाँ पर जो पाइप जो है
वो फोल्ड हो रहा था और फिर गैस फिट नहीं हो रहा था, तो फिर मैंने इस साइड इसको रख दिया है, थोड़ा सा उधर साइड हटाकर ये साइड मैं बर्तन धो दूंगी, बर्तन धोकर मतलब रख दूंगी, और दूसरी साइड थोड़ी सी जगह भी मुझे मिल जाएगी। तो खैर यहाँ पर देखिए गैस को भी मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है धोकर, और फिर इसको मैं अच्छे से कपड़े से इसको क्लीन कर लूँगी। तो बाकी सारी चीज़ें जिस पर पानी पड़ा और मतलब पानी पड़ा उसको भी मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी, जैसे कि ये वाले हैं मेरे माई किचन वाले ये वाली सीनरीज, तो इसको भी मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी कपड़े की मदद से। सो गाइस यहाँ पर इस तरह से मैंने सारा जो किचन था वो अच्छे से चमका दिया है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, अच्छे से ये रिफ्लेक्ट भी हो रहा है जो काउंटर है, और फिर ये वाली चीज़ों को भी हम क्लीन कर लेंगे ताकि इस पर जो जर्म्स है वो ख़त्म हो जाए, और इसको समय समय से हम क्लीन करते जाएंगे ताकि ये गंदे ना हो, क्योंकि हम इसको इससे ही हम किचन काउंटर को साफ करते हैं तो वो भी क्लीन होनी चाहिए। तो बस यहाँ पर देख सकते हैं मेरी जो किचन की जो काउंटर है वो बस चमक रही है, और यहाँ से मेरा काम भी ख़त्म हो गया है। तो अभी मैं जो सामान यहाँ पर से निकाली थी, मतलब यहाँ का जो सामान था वो मैं वापस लाकर यहाँ पर रख रही हूँ, और देखिए यहाँ पर मेरी किचन की फाइनल लुक। और आप लोगों ने कमेंट कर ज़रूर बताना है कि पहले वाली लुक बहुत अच्छी लग रही थी या फिर अभी ये जो जैसा था वैसा मैंने कर दिया है, ये वाली लुक आप लोगों को कैसी लग रही है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ मैं यहाँ पर ये वाला डिज़र्ट एंजॉय कर रही थी, क्योंकि जब मैं एक साथ काम करती हूँ, जब कोई भी काम मैं लेकर बैठती हूँ तो उसको कंप्लीट होने तक मैं नहीं छोड़ती, मतलब मेरा दिल ही नहीं करता कि मैं उसको छोड़ छोड़ कर आके कुछ देर आराम करूँ, बैठूँ और फिर जाऊँ फिर करूँ। मतलब इस तरह से हमारे ही काम बहुत लेंथी हो जाते हैं और हमारा टाइम भी बहुत ज़ाया होता है, तो इसीलिए मैं कोई भी काम हो वहीं पर मतलब उसको ख़त्म करने की कोशिश करती हूँ, और जल्दी जल्दी फिर मेरे काम जो है वो मैं ख़त्म कर लेती हूँ। फिर यहाँ पर मैंने कुछ देर बैठकर थोड़ा सा रेस्ट कर लिया, फिर यहाँ पर मैं अपनी के जो हॉल की सफाई थी वो मैंने यहाँ पर स्टार्ट कर दी है, जो कि सेंटर टेबल थोड़ा सा ख़राब हो रहा था तो मैंने इस पर थोड़ा सा स्प्रे मारकर इसको अच्छी तरह से क्लीन कर लिया है, और फिर मैंने सोचा कि इस पर मैं कवर लगा देती हूँ ताकि ये इस पर जो स्क्रैचेस आ रहे हैं उससे ये वाला जो मेरा ग्लास है वो बच जाए। तो यहाँ पर हॉल में भी थोड़ी थोड़ी सी गंदगी हो रही थी, और फिर ये वाला कवर मैंने इस पर भी रख दिया था, तो यहाँ पर सारे काम मेरे ख़त्म हो गए थे। और अभी मैं जाऊँगी नमाज़ पढ़ने के लिए, यहाँ पर असर का टाइम हो रहा है और अभी असर की अज़ान भी हुई है, तो चलिए अब हम यहाँ पर नमाज़ पढ़ लेते हैं और फिर आपसे मिलेंगे नमाज़ के बाद। तो अभी मैं आ गई हूँ किचन में, और किचन में आने के बाद मैंने सोचा कि मैं अभी बनाऊंगी कुछ भजिए वगैरह, तो मैं यहाँ पर सोच रही थी कि आज आलू और टमाटर के भजिए बनाऊं, तो जल्दी जल्दी से फिर मैं आ गई किचन में, और यहाँ पर मैंने इसका बैटर तैयार कर लिया है। देखिए इस तरह से मैंने अपना जो बैटर है वो रेडी कर लिया है जल्दी जल्दी से, और बहुत काम करने के बाद बहुत ज़्यादा भूख भी लगती है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि ये इंस्टेंट भी बन जाते हैं। तो अभी मैं बनाऊँगी यहाँ पर पकौड़े और इन्जॉय करूँगी गर्मा गर्म पकौड़े। तो यहाँ पर देखिए आलू को भी मैंने अच्छे से स्लाइस कर लिया है, टमाटर को भी, और फिर इस पर अच्छी सी कोटिंग कर कर मैं यहाँ पर फ्राई कर रही हूँ आलू के भजिए। तो चलिए अभी हम एंजॉय करते हैं इसको, और यहाँ पर गर्मा गर्म भजिए बनकर हो रहे हैं रेडी। वहाँ पर मेरे हस्बैंड भी आ गए हैं, तो उनके लिए भी मैं यहाँ पर थोड़े से ज़्यादा ही बना रही हूँ। अगर मैं अकेली होती तो बहुत कम मैं बनाती थी, लेकिन मेरे हस्बैंड भी है तो मैंने थोड़ा सा इसकी क्वांटिटी ज़्यादा कर दी है। और अभी यहाँ पर देखिए मैं इसको डिश आउट करूँगी और फिर एंजॉय करेंगे हम अपने पकौड़े। सो
तो गाइस गर्मा गर्म भजिए हो गए हैं बनकर रेडी, और अभी मैं इसको एंजॉय करूँगी। इसके बाद मैं अपने लिए ग्रीन टी बनाऊँगी ताकि जो फैट हम ले रहे हैं उसको भी ख़त्म करने के लिए कुछ ना कुछ तो हमें करना चाहिए, तो साथ ही साथ हमें उसका भी ख्याल करना चाहिए, मतलब सेहत का भी हम ख्याल करते हुए कुछ चीज़ें खाएंगे तो फिर सेहत हमारी नॉर्मल रहती है। तो यहाँ पर अभी मैं बना रही हूँ ग्रीन टी। तो यही था मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा और किचन की जो वीडियो है वो भी आप लोगों को पसंद आई होगी। लेकिन आपको कमेंट कर ज़रूर बताना है कि मेरा पिछला वीडियो अच्छा लग रहा था किचन का या फिर अभी का। तो बस यहाँ पर मैं अपना व्लॉग एंड करने वाली हूँ। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नए व्लॉग के साथ और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आप लोग मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।